यह है बालाजी मंदिर वाशिम जिले का, जो महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया में है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वाशिम जिले का, जो जिले के ठिकान पर ही है। तो ये 1778 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो अंदर से ऐसा दिखता है, तो मूर्ति तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। तो ये उसका अंदर का ये भाग है, ऐसा दिखता है। और ये पुरातन मंदिर है, इसकी खासियत ये है कि अंदर की जो मूर्ति है, इस पर सूरज की रोशनी दिसंबर से जून तक रहती है। तो ये उत्तरायण जब चलता है सूर्य का, तब ये अंदर रोशनी गिरती है। ये इसकी खासियत। और काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ पर उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो अंदर से ऐसा दिखता है। तो ये मंदिर देखने के लिए मैं मेरे स्कूल के कुछ बच्चे थे उनको लेकर आया था। तो स्कूल की ट्रिप थी, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे क्योंकि जिन्होंने भी पैसे दिए थे उनको ही मैं लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पैसे नहीं भरे थे। तो ठीक है, अगले साल बाकी बच्चों को लेकर आएंगे। तो इतने ही बच्चे थे और मैं था। तो ये मंदिर देखने के बाद, हम बालाजी मंदिर देखने के बाद दूसरा मंदिर देखने जाने वाले, जिसका नाम है पद्म तीर्थ। और उसके बाद हम एक मूवी देखने वाले हैं, जो मैदान नाम है उसका। तो ये है पद्म तीर्थ मंदिर, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। बाजू में पानी है, लेकिन अभी जो मौसम है वो धूप का मौसम है, इसलिए पानी कम हुआ है। तो इसकी वजह से यह ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये पानी से फुल भरा रहेगा बाजू का तालाब, तो यहाँ का मौसम और ये जो नज़ारा है बहुत अच्छा दिखता है। तो ये भी देखने लायक है, लेकिन यहाँ पर फिर हमने जो पद्म तीर्थ मंदिर का जो परिसर था, आसपास का एरिया था, वहाँ पर हम थोड़ा घूमे, इधर उधर परिसर देखा। और ये हमारी एक बच्ची गिर गई थी, रो रही नहीं थी, वो हंस रही थी क्योंकि बच्चे मजाक कर रहे थे। फिर हम आए थे HTM मूवी प्लेक्स में फिल्म देखने के लिए। तो ये फिल्म मैदान थी। मैदान फिल्म एक स्पोर्ट फिल्म है जो काफ़ी अच्छी है, हम देखने के बाद बहुत अच्छा लगा है, बच्चों को प्रेरणा मिली है। तो ये मैदान मूवी
जो फुटबॉल के कोच हैं अब्दुल रहीम, उनके जीवन पर आधारित है। 1952 से 1962 तक जो उन्होंने फुटबॉल टीम को कैसा कोच किया इसके बारे में, तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो इसे देखने के लिए एक बात और क्या हो गई, ये जो टीवी H2M मूवीप्लेक्स के जो मालिक थे हेड़ा सर, इनको हमने कॉल किया था कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं तो टिकट कम करेंगे क्या, तो इन्होंने जैसा मैंने बोला तो जो टिकट था 190 तो वो 100 में ही कर दिया। तो इनको भी एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। एक छोटा सा सॉन्ग लिया है मैंने मूवी से, तो काफ़ी अच्छा है, सुनो एक बार। बाद में हम बच्चों के साथ एक काफ़ी अच्छा होटल में गए थे ताकि बच्चों को बाहरी दुनिया का पता चले, क्योंकि हमारे जो बच्चे वो रूरल एरिया में पढ़ते हैं तो ज़्यादा ऐसे बाहर जाते नहीं। और जाए बाहर जब भी जाते हैं तो ऐसे बड़ी होटल में नहीं जाते, तो उनको बाहरी दुनिया पता नहीं चलती, इसलिए मैं उनको एक अच्छे होटल में लेके गए। तो हमने वहाँ पर नाश्ता किया, आइसक्रीम खाई और बच्चों को बहुत जानकारी मिली। जैसे वो खुश थे, उनके चेहरे पर लग रहा था कि बच्चे खुश हैं। तो वहाँ से हमने नाश्ता करने के बाद फिर हम हमारे जो गांव है स्कूल का वहाँ पर हम वापस गए, और ऐसा दिन जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। तो जो हमने ट्रिप निकाली थी उसका हमारा ज़्यादातर एम था कि बच्चों को बाहरी दुनिया का पता चले, और जो हमने मूवी देखी मैदान, उससे भी काफ़ी प्रेरणा लेने वाली मूवी है, क्योंकि उस मूवी में एक कोच कितना मेहनत करता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है तो ऐसे ट्रिप 1 साल में तो निकालने चाहिए ताकि बच्चों को बाहरी दुनिया का पता चले, और एक मूवी भी दिखानी चाहिए जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, बच्चे कुछ उस मूवी से सीख सके। तो हमें तो बहुत सीखने को मिला है, बच्चे भी खुश थे, इनको देखकर अगली बार ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो बस यही रुकते हैं, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। हमारी स्कूल की ट्रिप आपको कैसे लगी ये कमेंट कीजिए, और कुछ सुझाव है।